हरियाणा के पंचकुला में 4 जून से 13 जून तक आयोजित चतुर्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहली बार शामिल गतका खेल के विजेता खिलाड़ियों ने राजधानी रायपुर पहुंचने पर गतका एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ के संरक्षक गुरचरण सिंह होरा से गतका संघ अध्यक्ष हरपाल सिंह भामरा के नेतृत्व में मुलाकात की। इस अवसर पर गुरचरण सिंह होरा ने खिलाड़ियों को बधाइयां देते हुए कहा कि सिख धर्म में गतका का विशेष महत्व रहा है। ये गुरु गोविंद सिंह द्वारा सिखाई गई शस्त्र विद्या है। वे घोषणा करते हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात कर गतका को ओलंपिक खेलों में शामिल किया जाए तथा सभी खिलाड़ियों को मुख्यमंत्री से मुलाकात करवाने की बातें भी उन्होंने कही। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ओलंपिक संघ अध्यक्ष बनने के बाद से ही नॉन ओलंपिक खेलों को खेल युवा कल्याण विभाग द्वारा हर तरह का सहयोग किया जा रहा है। गतका को खेलो इंडिया में शामिल होने से भारतीय खेलों को भी विश्व पटल में स्थान मिलेगा। हरियाणा के पंचकुला में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम में गतका को पहली बार शामिल किया गया है। इस स्पर्धा में भी छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने अपनी कला का बेहतर प्रदर्शन करते हुए 1 सिल्वर और 3 कांस्य पदक हासिल किया है। इन सभी खिलाड़ियों को छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ महासचिव होरा ने अपने कार्यालय में मुलाकात कर बधाइयां दी। इस मौके पर गतका एसोसिएशन अध्यक्ष हरपाल भामरा ने कहा, गतका को ओलंपिक संघ में शामिल करने की मांग छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ महासचिव होरा ने सबको आश्वस्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से चर्चा कर गतका को ओलंपिक संघ में शामिल किया जाएगा। इन सभी खिलाड़ियों ने प्रदेश का नाम रोशन किया है। गतका सिख समाज में ऐतिहासिक महत्व रखने की बातें उन्होंने कही। वे इस मौके पर सभी खिलाड़ियों को बधाई देते नजर आए। देखिए, गतका की टीम जो है छत्तीसगढ़ में सिख समाज में बहुत मशहूर गतका का एक टीम बनी है। हमारे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने इसके लिए सिखों को अस्त्र शस्त्र लेके उसका प्रशिक्षण करने के लिए पहले प्रशिक्षित किया था। उसकी परंपरा को कायम रखते हुए हमारी गतका टीम जो है वो ऑल इंडिया खेलो इंडिया के तहत ये प्रतियोगिता में भाग लेने गई थी। अब बहुत गौरव की बात है कि छत्तीसगढ़ राज्य की टीम ने वहाँ पे 3 पदक जीते हैं, ब्रॉन्ज कांस्य और 1 सिल्वर पदक भी जीता है। और ये आज मुलाकात करने छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के कार्यालय में पहुँचे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इनको भेंट कराई जाएगी, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है और इनकी मांग है कि इनको ओलंपिक संघ से मान्यता दी जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा कर इनको मान्यता भी दी जाएगी, ये मैं अपनी ओर से घोषणा करता हूँ और इस पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज हम लोग छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरचरण सिंह होरा जी से अभी मुलाकात की है। हमारे गतका टीम के पूरे बच्चे जो खेलो इंडिया के अंडर में पंचकुला में जाके गतका में भाग लिए थे, जहाँ से रजत पदक और ब्रॉन्ज मेडल कांस्य से जीत कर आए हुए हैं। इन्होंने अभी ओलंपिक संघ के महासचिव गुरचरण होरा जी से मुलाकात की है और हम अभी महासचिव जी से अनुरोध करेंगे कि हमारी टीम को ओलंपिक संघ में जगह दें, जिससे कि हम हर जगह जाकर पार्टिसिपेट कर सकें। इस बार फर्स्ट टाइम खेलो इंडिया यूथ गेम में गतके को शामिल किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, और हमारी छत्तीसगढ़ से 11 प्लेयर खेलने गए थे और 11 प्लेयर में से 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल आए हैं छत्तीसगढ़ को। और हमारा आने जाने का पूरा खर्चा हमें पूरी छत्तीसगढ़ खेल विभाग और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया गया था और हमको बहुत अच्छी फैसिलिटी दी गई। और ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि नॉन ओलंपिक्स गेम को खेलो इंडिया में ऐड किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड एशियन न्यूज़।